आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स के एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के बारे में, जिसको हम जानते हैं एडिशन के नाम से। एडिशन का मतलब होता है किन्हीं भी दो नंबर को आपस में जोड़ना या फिर ऐड करना, राइट बच्चों? तो जल्दी से चलते हैं और समझते हैं। सबसे पहले करिकुलम क्या पढ़ेंगे हम एडिशन का। तो बच्चों, एडिशन के करिकुलम में मेजरली आप दो ही हम वीडियोस बनाने वाले हैं और दो ही तरीके से हम आपको चीजें बताने वाले हैं। सबसे पहली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेसिक्स ऑफ एडिशन, और दूसरी वीडियो में बच्चों हम बताने वाले हैं आपको लिस्ट एडिशन एंड बैलेंसिंग रूल। अब ये लिस्ट एडिशन एंड बैलेंसिंग रूल क्या है, ये मैं आपको सेकेंड वीडियो में ही बताऊंगा। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ एडिशन के बारे में, राइट? तो जल्दी से बच्चों आगे चलते हैं और समझते हैं बेसिक्स ऑफ एडिशन के बारे में। सबसे पहला जो हमारा एडिशन में कंसेप्ट आता है, दैट इज नॉन कैरी एंड कैरी एडिशन। नॉन कैरी एंड कैरी एडिशन। अब बच्चों इससे मेरा मतलब क्या है, नॉन कैरी का एक आराम से सुनना भाई। नॉन कैरी कॉम्बिनेशन, नॉन कैरी एडिशन, नॉन कैरी एडिशंस वो एडिशंस होते हैं, ध्यान से सुनना, नॉन कैरी एडिशंस वो एडिशंस होते हैं जिनका आंसर हमेशा किसमें आता है बच्चों, सिंगल डिजिट में। जिसका आंसर हमेशा कितने आता है, सिंगल डिजिट में। एंड कैरी एडिशंस हमारे वो एडिशंस होते हैं जिसका आंसर हमारे पास किसमें आता है बच्चों, डबल डिजिट में। जिसका आंसर हमारे पास कितने में, किसमें आता है, डबल डिजिट में। जब भी नॉन कैरी एडिशन होगा आंसर किसमें आएगा, सिंगल डिजिट में। कैरी एडिशन होगा उसका मतलब आंसर किसमें आएगा, डबल डिजिट में। अब एक चीज जो यहां पर आपको ध्यान रखनी है, जब भी कैरी एडिशन होगा, जब भी कैरी एडिशन होगा तो हर बार आपको उसकी यूनिट प्लेस याद रखनी है, उसकी यूनिट प्लेस याद रखनी है। और उसके बाद क्या करना है, वो जब मैं एग्जाम्पल लूंगा वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप बस ये दिमाग में डाल लो कि नॉन कैरी एडिशन में हमेशा सिंगल डिजिट में आंसर आएगा, कैरी एडिशन में हमेशा डबल डिजिट में आंसर आएगा। और जब भी हमारा कैरी एडिशन में डबल डिजिट में आंसर आएगा तो उसमें हमें, उस केस में हमें सिर्फ यूनिट प्लेस याद रखनी है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को ऐड करना है 2 + 3, अब आप बताओ 2 + 3 में, आप सोचो 2 + 3 में क्या आंसर आना चाहिए, कौन से डिजिट में आंसर आएगा। ऑब्वियसली 2 + 3 का 5 आता है, और ये क्या है, एक सिंगल डिजिट आंसर है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है हमारा नॉन कैरी एडिशन, ये क्या है हमारा नॉन कैरी एडिशन। इसी तरीके से अगर मैं कहूं 6 + 3, 6 + 3 क्या है बच्चों, 9, ये भी सिंगल डिजिट का है, तो सिंगल डिजिट में मतलब कौन सा एडिशन है, ये नॉन कैरी एडिशन। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं कहूं 4 + 4, 4 + 4 भी क्या है बच्चों, 8, सिंगल डिजिट आंसर है, मतलब कि क्या है मेरा, नॉन कैरी एडिशन, राइट? अब थोड़ा सा कैरी एडिशंस के बारे में बात करते हैं बच्चों। कैरी एडिशन की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ऐड करना है 8 + 4, तो इसमें बच्चों क्या आंसर आएगा, 12। इसमें क्या आएगा आंसर, 12। लेकिन इस केस में आप सिर्फ यूनिट डिजिट पे कंसेंट्रेट करो, इस पर कंसेंट्रेट अभी मत करो। इसका क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसका क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। हमको फोकस किस पे करना है, यूनिट प्लेस पे, जब भी कैरी कॉम्बिनेशन होगा। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल 8 + 6, तो इसमें क्या आएगा बच्चों आंसर, 14। 2 डिजिट है, 2 डिजिट का मतलब क्या है हमारा, कैरी एडिशन है। तो फोकस किस पे करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट पर, इस पर अभी हमें ध्यान नहीं देना है, राइट? इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेता हूं, 9 + 8, इसमें आंसर क्या आएगा बच्चों, 17। हमें फोकस किस पर करना है, सिर्फ 7 पर, 1 को हमें फोकस अभी नहीं करना है। हमें याद क्या रखना है, बैक ऑफ द माइंड इज 7। आई बिलीव आप कैरी और नॉन कैरी के एडिशन अभी समझ में आ गया होगा क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। अब चलते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ एडिशन की तरफ। तो कितने तरह के एडिशंस होते हैं, तो मेजरली मैंने जो आपको डिवाइड किया है वो किसमें किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है बच्चों। पहला क्या है, सिंगल एंड सिंगल डिजिट एडिशन। एक्स का अगर एक एग्जांपल दूं बच्चों आपको, तो क्या हो जाएगा, 6 + 7, ये क्या है, सिंगल एंड सिंगल डिजिट। कैरी नॉन कैरी ये भी हम ध्यान नहीं दे रहे, ये क्या है, सिंगल डिजिट दोनों तरफ है, तो मतलब कि सिंगल डिजिट प्लस सिंगल डिजिट। 2 डिजिट एंड 2 डिजिट मतलब कि फॉर एग्जाम्पल 43 + 64 को मेरे को ऐड करना है। इसी तरीके से 3 डिजिट की बात करूं तो मान लो 251 and 853, इस तरह के जितने भी एडिशन होंगे उनको हम क्या कहेंगे बच्चों, 3 डिजिट और 3 डिजिट। अब लेंथी एडिशन से क्या मतलब है कि डिजिट जितने मर्जी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 4 5 3 1 + 3 2 1 4 2, या फिर बच्चों 1 4 3 + या यहाँ पे 1 लगा लो, प्लस 5
5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से कितने भी नंबर हो सकते हैं लाइक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर, उन इस तरह के हमारे एडिशंस को हम क्या कहेंगे बच्चों, लेंथी एडिशंस कहेंगे, राइट। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि टाइप्स ऑफ एडिशन क्या है। इसमें और क्या क्या बन सकता है बच्चों, सिंगल डिजिट प्लस टू डिजिट भी बन सकता है, सिंगल डिजिट प्लस थ्री डिजिट भी बन सकता है, टू डिजिट प्लस सिंगल डिजिट भी बन सकता है, तो एन नंबर ऑफ टाइप्स बन सकते हैं एडिशन के। हम मेजरली जो बात करेंगे अभी इस वीडियो में, हम मेजरली इन चार कंसेप्ट पर बात करेंगे बच्चों, राइट। सो उससे आपको मैक्सिमम सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी किस तरीके से हम एडिशन करते हैं। तो इसको मैंने मिटा दिया बच्चों, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिंगल डिजिट का मैंने आपको एग्जाम्पल लास्ट स्लाइड में ही दे दिया, मैंने आपको जैसे नॉन कैरी और कैरी बताए थे, तो अभी मैं आप सिंगल डिजिट नहीं करने वाला, अब मैं डायरेक्टली आपको डबल डिजिट का बच्चों बताने वाला हूँ। डबल डिजिट में क्या है बच्चों, टू डिजिट में फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऐड करना है 24 and 34 फॉर एग्जाम्पल, राइट। सो बच्चों करना क्या है, हमेशा जब भी हम वैदिक मैथ्स में एडिशन करेंगे तो कहाँ जाएंगे बच्चों, हम लेफ्ट टू राइट। कैसे जाएंगे हम, हमेशा लेफ्ट टू राइट। तो 2 + 3 देखो बच्चों, इसका सिंगल डिजिट में आंसर आएगा क्या आएगा, 5। मतलब कि ये क्या है, नॉन कैरी कॉम्बिनेशन। ये क्या है, नॉन कैरी कॉम्बिनेशन। जब भी नॉन कैरी कॉम्बिनेशन है तो हमें कुछ नहीं छेड़ना, सिंपली आंसर लिख देना। 2 + 3 is 2 + 3 is 5, 4 + 4 अगेन सिंगल डिजिट आंसर है, आंसर क्या आता है बच्चों, 8, 58 हमारा इसका आंसर होगा, क्योंकि ये नॉन कैरी कॉम्बिनेशन था तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, ये सिंपली हमारा आंसर हो गया। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों, फॉर एग्जाम्पल 61 and फॉर एग्जाम्पल 24, इसको मेरे को ऐड करना है बच्चों, राइट। सो ऐड करूंगा, सिंपली करूंगा, 6 + 2 is 8, 1 + 4 is 5, दोनों के दोनों ही नॉन कैरी हैं क्योंकि सिंगल सिंगल डिजिट में आंसर आ रहा है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना, सिंपली हमारा ये आंसर हो गया। अब क्या करता हूं बच्चों, एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं, इसको ध्यान से देखना राइट। इसमें क्या है, 28 + 1, 9, 19, इसको बच्चों मेरे को ऐड करना, राइट। अब क्या है देखो, ये जो है बच्चों क्या है मेरा, यहाँ पे मैं प्लस लिख देता हूँ, ये जो है मेरा क्या है, नॉन कैरी कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया बच्चों, 3। ये क्या है, नॉन कैरी कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3। अब 8 + 9 कितना होता है बच्चों, 17। 8 + 9 कितना होता है, 17। लेकिन हमको किसको याद रखना है, सिर्फ 7 को। मैंने आपको पहले ही बताया था हमको किसको याद रखना है, इन केस ऑफ कैरी कॉम्बिनेशन सिर्फ यूनिट प्लेस को। तो यहाँ पर लिख देना है 7, और जब भी यहाँ पर कैरी कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो उसका जस्ट जो नेक्स्ट प्लेस होगा, उसको आप कट करके उसमें +1 कर दीजिएगा, मतलब कि 3 में +1 करूंगा तो बच्चों 4। तो आंसर क्या आ गया, 47 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं और अच्छे से चीज समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल 37 + 48 ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। इसको मेरे को क्या करना है, ऐड करना है। अब दोबारा से देखो, ये क्या है बच्चों मेरा, नॉन कैरी कॉम्बिनेशन, तो सिंपली 7 आ जाएगा, 3 + 4 is 7। और ये क्या है मेरा, कैरी कॉम्बिनेशन। कैरी कॉम्बिनेशन तो मतलब कि इसको काट के क्या कर देना बच्चों, +1, मतलब कि यहां पर क्या आ जाएगा, 8। और इसको अगर मैं एंड ऐड करूंगा तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी बच्चों, 7 + 8 is 15, तो 15 की यूनिट डिजिट क्या है, 5। 7 + 8 is 15, 15 की यूनिट डिजिट क्या है, 5। 1 को हमें अभी नहीं सोचना है, वहां पर हमने उसको नहीं सोचना है, सिर्फ यूनिट डिजिट कंसीडर करनी है। तो 85 हमारा बच्चों क्या आ गया, आंसर। तो आई होप आपको टू डिजिट का एडिशन करना आया होगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 53 + 86 राइट बच्चों। अब देखो यहां पर अगेन ये क्या है बच्चों, नॉन कैरी कॉम्बिनेशन, तो यहां पर 8 आ गया। ये क्या है बच्चों, कैरी कॉम्बिनेशन, तो यहां पर कट करके +1 कर दूंगा इसमें, तो 9, 8 and 6 14 होता है, 14 की यूनिट डिजिट क्या होती है बच्चों, 4, तो 94 इज द आंसर, एज सिंपल एज दैट, राइट। चलो अब इसको मैं मिटो रहा हूं बच्चों, आपको अगर लेना हो तो आप इसका स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेना राइट, फॉर योर रेफरेंस। अब आते हैं 3 डिजिट पर एडिशन पर। अब 3 डिजिट के बच्चों एडिशन की बात करूं तो 3 डिजिट के एडिशन में क्या करते हैं हम, सिमिलरली जैसे हमने 2 डिजिट में किया वही 3 डिजिट में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को ऐड करना है 2, 3, 4 में 1, 4, 3, तो इसमें देखो 2 and 1 नॉन कैरी कॉम्बिनेशन, सिंपली 3। हमेशा जाना कहाँ है, लेफ्ट टू राइट। 3 and 4 नॉन कैरी कॉम्बिनेशन, सिंपली 7। 4 and 3 नॉन कैरी कॉम्बिनेशन, सिंपली 7 इज द आंसर। अब मैं एक कैरी कॉम्बिनेशन वाला भी क्वेश्चन लेता हूँ बच्चों। फॉर एग्जाम्पल
अगर मेरे पास है 2, 3, 4 ही और नीचे है बच्चों 1, 9, 8 फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब इसमें कैसे करेंगे सर? तो हमेशा जाना कहाँ है बच्चों? लेफ्ट टू राइट, जाना कहाँ है? लेफ्ट टू राइट। सो 2 + 1 बच्चों, 2 + 1 क्या है मेरा? नॉन कैरी कॉम्बिनेशन, तो सिंपली मैं क्या करूंगा? 3 लिख दूंगा। अब ये देखो 3 + 9, 3 and 9, 3 and 9 बच्चों मेरा क्या है? कैरी कॉम्बिनेशन, मतलब कि 3 की जगह क्या हो जाएगा? 4 and 9, और 3 है, 9 और 3 है, तो मतलब कि 12 होता है। 12 की यूनिट डिजिट बच्चों क्या होती है? 2। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? 2। अब बच्चों उसके नेक्स्ट पर चलते हैं। तो यहां पर क्या है? अगेन 4 and 8 एक कैरी कॉम्बिनेशन है, मतलब कि 4 कट करके बच्चों में क्या, सॉरी 2 कट करके मैं क्या लिख दूंगा? +1 कर दूंगा, तो 3। अब 8 + 4, 8 + 4 क्या होता है बच्चों? 12। अगेन तो 12 का यूनिट डिजिट क्या होता है बच्चों? 2। तो 432 मेरा बच्चों क्या आ गया? सिंपली आंसर, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 39 प्लस फॉर एग्जाम्पल 1 4 8, राइट। इसको हम बच्चों ऐड करते हैं, राइट। तो 7 में बच्चों 1 ऐड करूंगा तो नॉन कैरी कॉम्बिनेशन, अगेन यहां पर 8 आ जाएगा। 3 + 4, 3 + 4 अगेन नॉन कैरी कॉम्बिनेशन, तो बच्चों सिंपली 7 आ जाएगा। एंड नाउ 9 + 8 इज 17। अब ये कैरी कॉम्बिनेशन है तो ये 7 कट होके क्या हो जाएगा बच्चों? 8। 7 कट होके क्या हो जाएगा बच्चों? 8। एंड क्योंकि 9 एंड 8 को ऐड करा तो 17 हो गया। तो इसकी यूनिट प्लेस, क्योंकि कैरी कॉम्बिनेशन में हमेशा हम क्या करते हैं? यूनिट प्लेस कंसिडर करते हैं, तो 7। तो बच्चों क्या आ गया? 8 8 7 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। सो आई होप आपको नाउ 3 3 डिजिट का एडिशन भी करना आ गया होगा। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट पर, जो कि है लेंथी एडिशन। क्या है? लेंथी एडिशन। अब लेंथी एडिशन से बच्चों क्या मतलब है मेरा? लेंथी एडिशन से मतलब है मेरा फॉर एग्जाम्पल 1 4 3 9 2 में बच्चों मेरे को ऐड करना है 3 4 8 7 3, राइट। तो जल्दी से हम कहां से कहां चलेंगे? लेफ्ट टू राइट। कहां से कहां चलेंगे? लेफ्ट टू राइट। अब देखो 1 + 3 नॉन कैरी कॉम्बिनेशन, 4 4 + 4 नॉन कैरी कॉम्बिनेशन, 8 8 + 3 कैरी कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहां पर क्या है हमारा? 2 डिजिट में आंसर आएगा। तो यहां पर 8 कट होके बच्चों क्या हो जाएगा? 9। और 8 + 3 11 है, तो 11 की यूनिट डिजिट क्या होती है? 1। सो 1। नाउ 9 + 7, 9 + 7 अगेन कैरी कॉम्बिनेशन, आंसर क्या होता है बच्चों? 16। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। और यहां पर 1 का हो जाएगा 2 + 1, और यहां पर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब अगेन 2 + 3 इज नॉन कैरी कॉम्बिनेशन, सिंपली 5। तो आंसर क्या आ गया बच्चों? 4 9 2 6 5 इज दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। सो आई होप आपको ये सारे के सारे एडिशन के बेसिक कंसेप्ट समझ आए होंगे, राइट। सो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स मैं आपको बहुत सारे हमने क्वेश्चंस दे रखे हैं, सभी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करिए एडिशन की, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट एडिशन एंड बैलेंसिंग रूल। क्या होता है लिस्ट एडिशन, क्या होता है बैलेंसिंग रूल, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए असाइनमेंट में से। कोई डाउट है तो हमारी जीमेल आईडी पर या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पर हमसे कनेक्ट करिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। फॉर एनी क्वेरीज मेल टू info@learnwithapin.com और व्हाट्सएप टू 9999075111।